सो मैंने भी दो तीन वीआर गेम्स एनिमे देख रखे हैं जिसमें वीआर पहन के लोग दूसरे दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें नई नई पावर्स देखने को मिलती हैं, नए नए स्पेल्स देखने को मिलती हैं जिनको यूज़ करके वो बैड एस बन सकते हैं। बट आज जिस एनिमे की हम बात करने जा रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ें लागू नहीं होती। आज जिस एनिमे की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फुल ड्राइव दी अल्टीमेट नेक्स्ट जेन फुल ड्राइव आरपीजी इज इवन शिटियर देन अ रियल लाइफ। या देखो इस एनिमे में क्या है कि जो दूसरे वर्ल्ड में जाते हैं हम वीआर का यूज़ करके उसमें बहुत सारी चीज़ें रियलिस्टिक हैं। रियलिस्टिक इन द सेंस कि तुम्हें वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पावर देखने को नहीं मिलेगी और जो भी चीज़ें तुम्हारी रियल लाइफ में होती हैं वो तुम्हारे गेम्स में भी होंगी। अगर तुम्हारे पास स्टेमिना नहीं है तो तुम दूसरे वर्ल्ड में या फिर वीआर वर्ल्ड में जाके भागोगे तो तुम्हारे पास वहाँ भी स्टेमिना देखने को नहीं मिलेगा। अगर तुम एक अच्छे खासे कराटे चैंपियन हो अपने रियल लाइफ में तो तुम गेम के लाइफ में भी बहुत अच्छे कराटे प्लेयर होगे और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वहाँ पे पोजीशन देखने को मिलेगी। मतलब दिस गेम इज़ क्वाइट रियलिस्टिक। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए। फिर इस गेम में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी हैं। ये एक लाइट नोवल की अडेप्टेशन है जिसको एनजी स्टूडियो ने बनाया है और मैंने इसका नाम कभी भी नहीं सुना। तो देखो इसका प्लॉट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि इसके प्लॉट में क्या देखने को मिलेगा। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर यूकी हिरोशी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट। उसके पास में कुछ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ें हुई होंगी या फिर कुछ डार्क चीज़ें होंगी, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को इन्जॉय नहीं कर पाता। और एक ही चीज़ वो इन्जॉय करता है सबसे ज़्यादा, वो है गेम्स। गेम्स खेलना उसे बहुत पसंद है और कोई भी किसी भी तरीके की वो गेम्स खेलने लग जाता है। तो एक दिन शॉप पे जाके वो एक नई गेम परचेस करने को जाता है और उसे वहाँ पे एक गेम मिलती है जो कि उसे सजेस्ट करती है हमारी वाइफू जिसका नाम है किसरागी रियोना। अब किसरागी रियोना ने उसे सजेस्ट की ये गेम क्योंकि वो इस गेम को खेलती है एंड शी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग इन दैट गेम। सो यूकी जो हमारा मेन करेक्टर है उसने उस गेम को जाके घर पे ट्राई किया और थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि ये गेम कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक हो सकती है। जब उसे चोट लगने के बाद जब उसे पेन हुआ या फिर बहुत सारी सिचुएशन जो कि रियलिस्टिक रियल चीज़ों में के ऊपर बेस्ड थी या फिर रियल लाइफ में भी हो सकती थी तो उसने उस गेम को क्विट करने को सोचा। एक टाइम पर क्या हुआ था कि उसने एक क्राइम कमिट किया था और उस क्राइम कमिट करने के बाद उसे जेल भी जाना पड़ सकता था, उसे जेल जाना पड़ा था। तो मतलब ये गेम क्वाइट रियलिस्टिक है और अगर सेम चीज़ें अगर तुम्हारे साथ दूसरी दुनिया में भी होती हैं जो कि रियल लाइफ में भी हो रही हैं तो कोई भी उस गेम को खेलना पसंद नहीं करेगा। लाइक अगर तुम्हारे पास तुम एक गेम खेल रहे हो, वीआर गेम खेल रहे हो और उसमें तुम्हें दूसरी दुनिया में या फिर गेम के वर्ल्ड में जाके एक्स्ट्रा पावर्स देखने को नहीं मिलती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें तुम उसमें नहीं कर सकते हो, तो दिस गेम इज़ क्वाइट रियल और तुम्हें बिल्कुल भी खेलने का मन नहीं करेगा। बट हमारे मेन कैरेक्टर ने बिल्कुल भी होप को नहीं खोया, फिर अपने गिव अप नहीं किया और उस गेम को ट्राई किया और उसे एंड करने की कोशिश की। बिकॉज हमारी जो वाइफू है या फिर जो हमारी मेन फीमेल लीड है उसने कहा था कि इस गेम को जो भी कंप्लीट कर लेगा मे बी इन फ्यूचर आई विल मैरी दैट गाय। एंड या आवर मेन कैरेक्टर बिकम एक्साइटेड ऑन दैट थॉट एंड ही स्टार्टिंग प्लेइंग द गेम्स। अब मेरा मोटो इस गेम के बारे में या फिर इस एनिमे के बारे में बताने का ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम इन्जॉय कर सकते हो। उसका प्लॉट भी अच्छा है, इसमें दो तीन करेक्टर हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेन करेक्टर के अलावा भी दो तीन वाइफूज़ हैं जो जिनको मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, फिर उन करेक्टर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम इसमें इन्जॉय कर सकते हो। बट उससे पहले हम बात करते हैं इसके एनिमेशन की। तो देखो इसके एनिमेशन की बात करें तो ये इसको एनजी स्टूडियो ने बनाया और अगेन मैंने इसका नाम बिल्कुल भी नहीं सुना और मैंने इसके रिलेटेड कोई भी एनिमे नहीं देखा होगा आज तक शायद, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं सुना। तो एनजी स्टूडियो ने इसकी एनिमे अडेप्टेशन की है और मैं कहूँगा तो इसके पहले एपिसोड को छोड़ के इसके बाकी जितने 6 या फिर 5 एपिसोड अभी राइट नाउ एयर हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार है। बहुत ज़्यादा बेकार इन द सेंस कि कुछ स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे या फिर कुछ रोम कॉम एनिमे डिसेंट टाइप के एनिमेशन के साथ आते हैं बट ये डिसेंट टाइप की एनिमेशन के साथ भी नहीं आता। इसकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा लो है और अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि एनिमेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हो ओवर अ स्टोरी लाइन और अ मेन कैरेक्टर या फिर बैडस कैरेक्टर तो आई डोंट थिंक कि ये एनिमे तुम्हारे लायक है क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा कि एनिमेशन बहुत बेकार है और फाइटिंग सीन में भी इतना ज़्यादा कुछ तुम्हें खास मज़ा नहीं आता है और एनिमेशन बहुत ज़्यादा बेकार है। बट उसके अलावा अगर तुम्हें प्लॉट मतलब ज़्यादा
यू नो प्लॉट इन्जॉय करते हो या फिर करेक्टर्स को इन्जॉय करते हो और तुम्हारे एनिमेशन से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर एनिमेशन थोड़ा बहुत लो बजट का भी हो तो इस एनिमे को ज़रूर से ट्राई करना। बहुत सही एनिमे, मैं तो क्वाइट इन्जॉय कर रहा हूँ इसका प्लॉट और करेक्टर, और मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ इसके एनिमेशन को क्योंकि मुझे इसके आगे जानना है कि इसके फ्यूचर में क्या होगा या फिर इसके प्लॉट का जो रिजल्ट होगा वो क्या देखने को मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ा एनिमेशन पे, कोई बात नहीं मैं एनिमेशन को देख रहा हूँ, इतना भी बुरा नहीं है, मतलब देखने लायक है, एक्साम से तो अच्छा है। अगर तुमने एक्साम के बारे में पता होगा तो उसकी एनिमेशन तो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, मतलब कि सच में बहुत ज़्यादा बुरी थी। और अगर तुम्हें नहीं पता एक्साम का तो जाके ट्रेलर वगैरह देखो उसके या फिर थोड़े फाइट सीन वगैरह देखो, तुम्हें ये एनिमे भी अच्छे लगने लग जाएगी या फिर इसकी एनिमेशन भी तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी एक्साम। तो हाँ यार, यही था इसके रिव्यू के बारे में और जो भी चीज़ें मुझे आपको इसके प्लॉट करेक्टर या फिर एनिमेशन के बारे में बतानी थी। और हाँ यार, थोड़ा सा इसका एनिमेशन को तुम इग्नोर करो और इसके प्लॉट पे देखो क्योंकि सच में इसका जो अभी एपिसोड आ रहे हैं फिर उसके जो अभी प्लॉट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और या मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ इस एनिमे को देखने में या फिर फ्यूचर में इसके जितने भी एपिसोड आने वाले मैं सारे के सारे देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। बट हाँ, अगर थोड़ी सी एनिमेशन इन्होंने अच्छी कर दी होती तो माय एनिमे लिस्ट पे या फिर IMDb पे भी इसको थोड़ी अच्छी रेटिंग मिल जाती। इतना ही था इस रिव्यू के बारे में, मुझे भी जाके बजर्क की मांगा पड़नी है। और हाँ यार, एक चीज़ और, अगर तुमने बजर्क देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपना रिव्यू भी देना कि तुम्हें कैसी लगी बजर्क, और अगर तुमने इसकी मांगा पढ़ी है तो उसके रिव्यू भी मुझे कमेंट में बता देना क्योंकि अभी मैं स्टार्टर हूँ, मतलब अभी मैंने 3-4 चैप्टर ही पढ़े हैं अपने बजर्क मांगा के। और यप, आई एम क्वाइट इंजॉइंग दैट मांगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।